अक्षय तृतीया को शुभ दिन के साथ साथ स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी माना जाता है। अर्थात यह एक ऐसा दिन है जब आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य बिना शुभ मुहूर्त देखे कर सकते हैं। ऐसे में इस दिन गृह प्रवेश और उद्योग आरंभ करने जैसे मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। इस दिन धन पर देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ 10 मई 2024 को प्रातः 04:17 पर हो रहा है। वहीं इस तिथि का समापन 11 मई को रात्रि 02:50 पर होने जा रहा है। ऐसे में अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी से बने मटका या कलश घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यदि आप अक्षय तृतीया के दिन जल से या फिर चावल भरा हुआ मटका घर लेकर आते हैं तो इससे कभी धन धान्य कमी नहीं होती। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ऐसे में आप लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र को घर ला सकते हैं। श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक रूप भी माना जाता है। इस दिन श्री यंत्र को घर लाने के बाद इसे मंदिर में विधि विधान पूर्वक स्थापित करें। ऐसा करने से भक्तों सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया का दिन माता लक्ष्मी के लिए समर्पित माना गया है। ऐसे में आप इस शुभ अवसर पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल आदि भी ला सकते हैं। इन्हें लाने के बाद विधि विधान पूर्वक घर के मंदिर में स्थापित कर देना चाहिए। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।